तेरे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। बुक स्टोर पे थी तो अचानक आपकी याद आ गई और ये शेर भी याद आ गया, तो बस किताब खरीद ली आपके लिए। नासिर काजमी बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू। वैसे मेरे ख्याल में जिंदगी को अगर उदासी की तरफ मोड़ लें तो फिर वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। उदासियां अपने इख्तियार में कहां होती हैं? मेरे पास भी तो बहुत सारी वजूहात हैं उदास होने की, लेकिन मैं उस जगह के करीब भी नहीं गई जहां उदासी की निशानी भी हो। इसमें आपने मुझे बहुत बचाया। लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था, मुझे कोई रहनुमा नहीं मिला। अफशा अफशा ने अच्छा नहीं किया, इतने साल गुजारे थे, कुछ साल और गुजार लेती। शायद मोहब्बतें लोगों को पागल बना देती हैं। मोहब्बत तो किसी को भी हो सकती है, इसमें क्या बुराई है? मुझे कोई अच्छा लग सकता है, आपको भी कोई अच्छा लग सकता है। अच्छा लगने की कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। तो क्या अफशा ने वो हद क्रॉस कर दी थी? देखिए, कोर्ट में सब बातें हुई थी। मैंने तो वो सारी बातें यादों की किसी अंधी गली में फेंक दी हैं, सोचती भी नहीं हूं। अच्छा किया। देखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अगर उस दिन आप अदालत में ना कहते कि 3 घंटे में आपके साथ थी, तो अफशां की जगह मैं जेल में होती। क्यों दोहरा रही हैं ये बातें आप? मैं अफशां से मिलना चाहती हूं। बेहतरी इसी में है कि आप उससे कभी ना मिलें। देखिए, एग्जीबिशन सर पर आ गई है, मैं 1-2 दिन में आके आपके स्केचेस ले जाऊंगा, फ्रेमिंग के लिए दे दूंगा। खुदा हाफिज। बहुत ही मक्कार इंसान हो तुम महमूद अली। मारिया को ये सारी बातें कब बताई तुमने? उससे भी तुम गैर मौजूदगी में मेरे मिलते रहते थे। वो इतनी खुशकिस्मत नहीं जितनी अफशां थी। अफसोस होगा मुझे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कुछ करना होगा।